आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीए का पार्ट राष्ट्रीय जनता दल रहे हैं। कांग्रेस से हमारा जो अलायंस है वो नेचुरल अलायंस और बहुत ही पुराना अलायंस रह चुका है और बिहार में अभी भी कांग्रेस के साथ हम लोग अलायंस में साथ हैं। मेन मकसद यहाँ असम आने का ये है, असम जो है गेटवे है नॉर्थ ईस्ट का और एक महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि असम से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो जन समस्याएँ हैं, जो जन आकांक्षाएँ हैं, उन मुद्दों के साथ हम लोग भी साथ खड़े हों, जनता के साथ खड़े हों। हम लोगों की पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग यहाँ असम में आने वाला जो जनरल इलेक्शन जो होने वाला है विधानसभा का, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि असम में एक बड़ी आबादी है हिंदी भाषा बोलने वालों की, खासतौर पे बिहार, झारखंड, यूपी के लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं, बसे हुए हैं। और जहाँ से मैं जीत के आता हूँ बिहार में राघोपुर के, वहाँ के भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मिनिमम 5% जो वोटर्स हैं वो हिंदी भाषा बोलने वालों की है। अगर आप चाय बगान में की बात करें टी स्टेट की, तो उसमें भी जो लोग जो काम करते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लोग भी इसमें शामिल हैं। एक पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल, एट वन टाइम इट वाज अ नेशनल पार्टी, हम लोगों के पार्टी ने ये डिसीजन किया है कि जहाँ जहाँ हमारी संगठन है उसको विस्तार किया जाए। और आप सब लोग जानते हैं कि विस्तार करने के लिए संगठन को जो वहाँ चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जब तक आप चुनाव नहीं लड़िएगा तब तक संगठन जो है और मजबूत या उसका विस्तार जो है नहीं हो पाता है। तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोग की बात जो है कांग्रेस से भी हुई है ताकि यहाँ जो अलायंस है उसमें हम कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। अजमल साहब जी की जो पार्टी है हमारी, उनसे भी अभी ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उनसे भी मुलाकात होगी और हम लोगों की कोशिश है कि एक अलायंस जो है वो बनाया जाए। बिहार ने पहली बार एक एक्सपेरिमेंट किया था महागठबंधन का, ग्रैंड अलायंस का, और 2015 के चुनाव में ये हुआ था और हम लोग बड़े क्लीन मेजॉरिटी के साथ हम वो चुनाव जीते थे, इलेक्शन जीते थे। आज जो देश की जो स्थिति है, आज संविधान पे खतरा है, देश के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आरएसएस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो लोग सत्ता पे काबिज हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, उनको बस है कि सत्ता में किसी भी प्रकार से कोई भी भाग गुना करके उनको सत्ता में बैठना है। आज गरीबी देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, आप देखिएगा इकॉनमी देख लीजिए, देश का जीडीपी देख लीजिए, किसानों की समस्या देख लीजिए, छात्र छात्राओं की समस्या देख लीजिए, या जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।